कुछ लोगों को देख करके समझ में आ जाता है कि कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। मतलब ये ना कुछ गलत कर ही नहीं सकते और ये जो बोलेंगे ना इनकी बात पर विश्वास कर ही लिया जाएगा। मतलब जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होती है उनके बिना बोले ही, उनके बिना कुछ समझाए ही। कभी कभी लगता है कि हमारे पास भी ना ये चीज होनी चाहिए कि हम कुछ भी ना बोले और लोग समझ जाए कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें बिना शब्दों के अपने हाव भाव से ही सब कुछ कहा जाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज को देख करके हम सामने वाले पर्सन के सारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस को पहचान सकते हैं और उनके जरिए कही जाने वाली बात को समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी खास बात ये है कि हम जानबूझकर इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि अनजाने में हमारे थॉट्स हमारी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर आते हैं। और अगर सामने वाला व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज को रीड करना जानता हो तो उसके लिए ये पता करना बहुत आसान हो सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है। सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस। जी हाँ, फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करके आप सामने वाले पर्सन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से खुशी, दुख, गुस्सा, नाराजगी, डर जैसे बहुत सारे इमोशंस को पहचाना जा सकता है। जैसे ऊपर उठी हुई आईब्रोज और फॉरहेड पर हॉरिजॉन्टल रिंकल्स सरप्राइज शो करते हैं, वही फॉरहेड पर आईब्रोज के बीच दिखने वाले रिंकल्स फियर को, डर को दर्शाते हैं। जब डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन दिया जाता है तो नोज पर रिंकल्स दिखाई देते हैं और अपर लिप भी थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। एंगर यानी गुस्से के एक्सप्रेशन में आईब्रोज के बीच में वर्टिकल लाइंस दिखाई देती है, जबकि हैप्पीनेस यानी खुशी के टाइम में एक्सप्रेशन में चीक्स उठे रहते हैं, जबकि हैप्पीनेस के एक्सप्रेशन में आपके गाल थोड़े उठे हुए रहते हैं और जो दांत है वो शो हो सकते हैं। इसी के साथ आईज की बात करें तो अगर आप आंखें पढ़ना जानते होंगे तो किसी भी पर्सन के मन की बात उसकी आंखों में आसानी से पढ़ सकेंगे। इसके लिए ना आपको इन पॉइंट्स पर गौर करना होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने के दौरान आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है और पूरी अटेंशन के साथ आपकी बातों को सुन रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक लगातार आपकी आंखों में देखता रहे तो हो सकता है कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहा हो। इसी के साथ अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे आंखें मिलाने से बच रहा हो तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ बात करने में एकदम भी कंफर्टेबल नहीं है या फिर अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आंखों को ब्लिंक करने के तरीके से भी ना आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी जल्दी आईज ब्लिंक कर रहा हो तो हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। और अगर हम बात करें माउथ की तो माउथ एक्सप्रेशंस भी किसी पर्सन के बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं। जैसे कि अपने माउथ को कवर करने वाला पर्सन अपने किसी इमोशनल रिएक्शन को छुपाने की कोशिश करता है। लिप्स को टाइटली प्रेस करने वाला पर्सन डिसअप्रूवल या डिस्ट्रस्ट शो कर सकता है। वहीं थोड़ा सा ऊपर की ओर माउथ होने पर पर्सन के हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक होने का पता चलता है। और अगर माउथ स्लाइटली डाउन हो तो वो उस पर्सन की उदासी या असहमति को शो कर सकता है। आगे चौथा पॉइंट आता है जेस्चर्स। बहुत से ऐसे जेस्चर्स भी होते हैं जिनसे सामने वाले पर्सन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जैसे कि बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी के दो अर्थ हो सकते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, एक तो गुस्सा और दूसरा यूनिटी। और अगला जेस्चर है थम्स अप एंड थम्स डाउन। ये दोनों जेस्चर्स अप्रूवल और डिसअप्रूवल को शो करते हैं। आगे पांचवा पॉइंट आता है आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स और लेग्स के जरिए भी नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हाथों को क्रॉस करना सेल्फ प्रोटेक्शन या डिफेंसिव रिएक्शन को शो कर सकता है। वहीं हाथों को पीछे की ओर बांध कर रखने वाला पर्सन एंग्री या बोर फील कर सकता है। किसी के सामने लेग्स क्रॉस करके बैठना डिसलाइक और डिसकंफर्ट दिखाता है और पैरों को खोलकर ओपन पोस्चर में बैठना फ्रेंडलीनेस और ओपननेस को शो करता है। वैसे आपने बहुत बार ये नोट किया होगा और नहीं किया है तो आगे करिएगा जरूर। और आप कह रहे हैं कि अगर मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ तो बिल्कुल अपने आप को भी नोट कर सकते हैं सामने वाले के बजाय, तो ज्यादा आसान होगा इसे समझना। आगे बात करते हैं सोशल डिस्टेंस भी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बताता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका सामने वाले पर्सन के साथ जैसा रिलेशन होगा आप उसके साथ उतने ही डिस्टेंस पर खड़े होकर के मिलने में कंफर्टेबल होंगे। और अगर सामने वाला पर्सन उस डिस्टेंस से आगे आए तो आप अनइजी फील करेंगे। आइए इससे जुड़ी कुछ सिचुएशन और डिस्टेंस को समझते हैं। सबसे पहला है इंटीमेट डिस्टेंस।
6 से 18 इंच यानी कि 6 टू 18 इंचेस। इस तरह का डिस्टेंस क्लोज रिलेशंस में होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के क्लोज रहना पसंद करते हैं। दूसरा है पर्सनल डिस्टेंस 1.5 टू 4 फीट। इस तरह का डिस्टेंस फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के बीच में होता है और इतने डिस्टेंस पर रहते हुए इंटरैक्ट करने में, बातें करने में उन्हें इजी और कंफर्टेबल फील होता है। तीसरा है सोशल डिस्टेंस 4 से 12 फीट यानी कि 4 टू 12 फीट। इस तरह का डिस्टेंस कोवर्कर्स, नॉन पर्संस और ऐसे लोगों के साथ होता है जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं लेकिन उनसे परिचित होते हैं। अगला है पब्लिक डिस्टेंस 12 से 25 फीट यानी कि 12 टू 25 फीट। इस तरह का डिस्टेंस क्लासरूम में क्लास को लेक्चर देते टाइम और ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते टाइम देखा जा सकता है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इतना स्ट्रॉन्ग सोर्स है जो अनजाने में ही हमारे मन की सारी बातें और इमोशंस को सामने खोलकर रख देता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो सीखे ही जैसा कि इस वीडियो में समझाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर्सन को ऐसा कोई गलत मैसेज ना दे दे जिससे कि उसे हर्ट हो या आपकी इमेज प्रभावित हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करते रहिए और सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को बहुत हद तक समझना तो अब आपको आ ही गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ आपने कौन सी बात अपने अंदर नोटिस की कि आप अक्सर ऐसा करते हैं और अभी आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, या आपने अपने दोस्त में अक्सर इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज को देखा है? ये सारे एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। और क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं उनसे आपको ढेर सारा फायदा। आई एम श्योर इस वीडियो ने आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में काफी मदद की होगी, क्योंकि पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो इस वीडियो को